बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम आलू मटर का पुलाव तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने तकरीबन 2 कप मटर ले लिए और एक बड़ा आलू है जिसको हमने छोटे स्लाइस में काट लिया है। मटर आप अपने हिसाब से कम पेश भी कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, एक दरमियानी साइज की प्याज जाएगी, 3 बड़ी हरी मिर्च हैं वो जाएंगी, 3 से 4 टमाटर हैं वो जाएंगे इसमें, नमक हसबे जायका जाएगा, 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और ये हम जो मंदी में हमने मसाला ग्राइंड किया था ये 1 टेबल स्पून है। मंदी के मसाले के लिए मंदी की रेसिपी हम लिंक पर डाल देंगे, जो ऊपर लिंक बटन आता है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। ये हमने तकरीबन 1/2 कप तेल ले लिया है और इसमें जो हमने एक दरमियानी प्याज थी उसको स्लाइस में कट के काट दिया है। अब इसको हमने ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है। और मैं बताती चलूँ, चावल जो है वो मेरे पास 4 कप चावल हैं जिसको मैंने धो के भिगो दिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने कहा था वो डालेंगे। अब प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, 1 से 2 सेकेंड हम इसको भूनना है और अपने टमाटर और हरी मिर्च को काट के रखा हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको गलने तक टमाटरों को इसको ढक के रखेंगे। टमाटर हमारे गल गए हैं, अब हमने अपना तमाम ड्राई मसाला जो है वो इसमें डाल देना है। अगर आपके मेरे टमाटर तो थोड़े से सख्त थे इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको दम पे रखा है नरम करने के लिए। अगर आपके नरम टमाटर हो तो आप डायरेक्ट भी डाल के इसको भून सकती हैं। मसाला 1 से 2 मिनट भूनना है, उसके बाद हमने मटर और आलू डाल के इसको थोड़ा सा दम पे रखना है। आलू भी और मटर भी हम साथ डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम दम पे रखेंगे। ये मटर और आलू के साथ हमारा मसाला अच्छा सा भुन गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बस इसमें हमने पानी ऐड करके चावलों के हिसाब से और इसको बस पकने के लिए हमने रख देना है। जी नाजरीन, हमारा आलू मटर का पुलाव बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।